ऋण पत्रों के निर्गमन के निम्न दशाओं में प्रविष्टियां कीजिए। पहला, 10,000 रुपए के 5% ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर शोधन। दूसरा, 10,000 रुपए के 5% ऋण पत्रों का 5% कटौती पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर शोधन। तीसरा, 10,000 रुपए के 5% ऋण पत्रों का 5% प्रीमियम पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर शोधन। चौथा, 10,000 रुपए के 5% ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन एवं 5% प्रीमियम पर शोधन। पांचवा, 10,000 रुपए के 5% ऋण पत्रों का 5% कटौती पर निर्गमन एवं 5% प्रीमियम पर शोधन। यहाँ पर क्योंकि जो ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं उनका शोधन हुआ है और शोधन की जो अलग अलग कंडीशन है सम मूल्य पर, कटौती पर और प्रीमियम पर, तीनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका शोधन यानी कि रिडम्पशन करना है। तो जैसे कि हमने रिडम्पशन के जनरल एंट्रीज में देखा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जनरल एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, जबकि 10,000 रुपए के 5% ऋण पत्रों का सम मूल्य पर पहले निर्गमन किया जाता है और उसके बाद सम मूल्य पर ही उसका शोधन किया जाता है, तो निर्गमन की जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और क्योंकि 10,000 रुपए के ऋण पत्र है, सीधे यहाँ पर राशि दे दी गई है तो कहीं पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड जो कंडीशन है वहां पर, क्योंकि अब इनका रिडम्पशन होना है, शोधन होना है, तो यहाँ पर हम जो डिबेंचर एप्लीकेशन की जो अमाउंट है उसको जब हम एप्लीकेशन उसको जब हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट और 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड जबकि 10,000 के 5% डिबेंचर को 5% डिस्काउंट पे इशू भी करना है और 5% डिस्काउंट पर इशू करना है, लेकिन इनका जो रिडम्पशन है, शोधन है, वो सम मूल्य पर करना है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट जो एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट जो इसकी एंट्री होगी वो डिस्काउंट डिडक्ट करके हमको इसकी एंट्री करनी है और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्योंकि 10,000 का शेयर है और 5% इसमें डिस्काउंट देना है तो 10,000 का 5% यहाँ पर हम 500 माइनस कर देंगे और डायरेक्ट हम इसकी पोस्टिंग करेंगे 9,500 से। अब जबकि इसका जो रिडम्पशन है वो सब मूल्य पर करना है यानी कि टोटल अमाउंट पे करना है और ये जो इशू हुआ था जब तो वो फिर डिबेंचर डिस्काउंट पे हुआ था, तो इस कंडीशन में हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5% डिबेंचर अकाउंट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9,500 इसकी एक्चुअल अमाउंट आई थी, हमने कैलकुलेट किया था, और 10,000 का 5% क्योंकि डिस्काउंट है यानी कि डिस्काउंट के जो अमाउंट डेबिट साइड में आएगी वो 500 आ जाएगी और टोटल 10,000 जो है वो 5% डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। अब थर्ड कंडीशन, जबकि 10,000 के 5% डिबेंचर को 5% प्रीमियम पर इशू किया गया। बहुत ध्यान से हमको देखना है कि इशू जो था वो 5% प्रीमियम पे था, लेकिन रिडम्पशन जब हो रहा है तो वो सम मूल्य पर हो रहा है, तो इसको हमको बहुत सावधानी से ध्यान देना है इसको। अब थर्ड जो पॉइंट है उसमें फर्स्ट एंट्री जो होगी वो क्योंकि नॉर्मल जो एप्लीकेशन मनी रिसीव है उसकी होती है, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और क्योंकि प्रीमियम पे है तो 10,000 में 5% प्रीमियम यानी कि 10,000 का 500 यानी कि 10,000 का 5% यानी कि 500 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हम अमाउंट लिखेंगे तो वो हो जाएगी 10,500। अब क्योंकि इसका रिडम्पशन करना है हमको और वो भी सम मूल्य पर करना है यानी 10,500 का वो शेयर था और 10,500 ही हमको यहाँ पर लेना है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमने उसको इश्यू किया था तो वहां पर हमको प्रीमियम भी मिला था 500, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको इसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
5% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो टोटल ओवरऑल हमने देखा था कि 10,500 में वो इशू हुआ था, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम 10,500 लिखेंगे। ये जो डिबेंचर है वास्तव में वो 10,000 के थे, तो 5% डिबेंचर अकाउंट की क्रेडिट में हम 10,000 लिखेंगे। और क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया था 10,000 का 5% 500, तो उसको हम प्रीमियम अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। अब फोर्थ कंडीशन में जबकि 10,000 के 5% डिबेंचर जो है उनको उनका जो निर्गमन है वो सम मूल्य पर किया गया था, लेकिन जब शोधन किया गया तो 5% प्रीमियम पे किया गया। तो ये हमको ध्यान रखना है कि इशू जो था वो एट पार था, सम मूल्य पर था, लेकिन रिडम्पशन के टाइम हमको ध्यान में रखना है कि 5% प्रीमियम है। तो क्योंकि सम मूल्य पर था वो, तो जनरल एंट्री तो नॉर्मल होगी जो हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और 10,000 से नॉर्मल हम इसकी जैसे एंट्री करते थे ठीक उसी तरह से एंट्री करेंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन जब रिडम्पशन की आएगी तो हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि 5% उसमें प्रीमियम है, तो यहाँ पर हमको एंट्री करनी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब एक चीज हमको यहाँ पर नई देखने को मिल रही है कि जब इशू किया था हमने शेयर तो वो सम मूल्य पर था, लेकिन रिडम्पशन के टाइम 5% प्रीमियम भी पे है, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर 5% यानी कि 10,000 का 5% 500 का लॉस भी हो रहा है, तो उसको भी हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसमें तो हम 10,000 लिखेंगे क्योंकि वो 10,000 का शेयर डिबेंचर है, स्पष्ट रूप से दिया गया है। लेकिन लॉस क्या हो रहा है ये हमने देखा कि 5% प्रीमियम है, 5% का यहाँ पे लॉस हो रहा है रिडम्पशन के टाइम, तो 500 हम इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 500। और उसके बाद क्रेडिट साइड में क्योंकि 5% डिबेंचर है 10,000 के हैं, तो 5% डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 आएगा। प्रीमियम की जो अमाउंट है वो हमको ध्यान में रखना है कि 10,000 शेयर्स पे 500 प्रीमियम 5%, तो वो 500 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, इस प्रकार से हम इसकी इसका नरेशन हम लिखेंगे। अब फिफ्थ कंडीशन, जबकि 10,000 रुपीज के 5% डिबेंचर को 5% कटौती पर निर्गमन करेंगे, लेकिन जब उनका शोधन होगा तो प्रीमियम पर होगा। अब क्योंकि 10,000 जो शेयर 10,000 रुपीज के जो डिबेंचर है, एक तो जब उनको हमने इशू किया तो 5% डिस्काउंट पे था, लेकिन जब शोधन हो रहा है तो वो रिडम्पशन जब उनका हो रहा है तो वो 5% प्रीमियम पे हो रहा है। यहाँ पर जब हमने इशू की जब एंट्री की तो हमने क्योंकि देखा था कि 5% डिबेंचर है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि 5% डिस्काउंट है, तो 10,000 के शेयर पर अगर 5% हम डिस्काउंट दे देते हैं यानी कि 500 डिस्काउंट दे देते हैं, तो ये जो अमाउंट आ जाती है वो हो जाती है 9,500। और जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन सेकेंड एंट्री इसकी जो हम करेंगे वो हो जाएगी रिडम्पशन की, और क्योंकि 5% यहाँ पर प्रीमियम पर इसका रिडम्पशन हो रहा है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि एक्चुअल उसकी जो अमाउंट थी आफ्टर डिस्काउंट वो थी 9,500, तो इस 9,500 के अमाउंट को हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 9,500। लॉस जो हो रहा है वहां पर हम 1,000 इसलिए मानेंगे क्योंकि एक तो ऑलरेडी डिस्काउंट पे इशू था, तो 500 वहां पर लॉस हम उसको मान लेते हैं, लॉस हुआ था। दूसरी बात, अब जब रिडम्पशन हो रहा है तो वो 500 तो वो 5% यानी कि 500 प्रीमियम पे हो रहा है, तो इशू का जो डिस्काउंट था 500 और प्रीमियम पर रिडम्पशन का जो लॉस है 500, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है वो 1,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम 1,000 लिखेंगे। और उसके बाद क्रेडिट में जब हम 2-5% डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे तो वो टोटल 10,000 आएगा क्योंकि 10,000 का वो डिबेंचर है, और क्योंकि प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है तो प्रीमियम जो है 500 वो अमाउंट को प्रीमियम के क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
और यहां हम नरेशन लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। निम्न दिशाओं में ऋण पत्रों के निर्गमन एवं शोधन के संबंध में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। पहला 15,009% ऋण पत्र प्रत्येक ₹250 का 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए एवं 15% प्रीमियम पर शोधन किया। दूसरा 2,12,000% ऋण पत्र प्रत्येक ₹10 का 8% प्रीमियम पर निर्गमित एवं सम मूल्य पर शोधन। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों दशाओं पर निर्गमन प्रीमियम पर किया गया है, लेकिन पहली दशा में शोधन भी प्रीमियम पर किया गया है। दूसरी दशा ऐसी बनती है जबकि निर्गमन प्रीमियम पर किया गया लेकिन शोधन सम मूल्य पर किया गया। तो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग प्रविष्टि और अलग अलग तरह से हम अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट, जबकि ऋण पत्रों का जो निर्गमन था वो 5% प्रीमियम पर किया गया, तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो यहाँ पर हमारी जो अमाउंट हम जो लिखेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि 15,000 शेयर है और एक शेयर जो है वो 250 का है, और इसमें क्योंकि 5% प्रीमियम भी है, तो हम सबसे पहले 250 का 5% प्रीमियम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हो जाएगा ₹12.50। यानी टोटल ये जो इशू हुआ है वो हुआ है ₹262.50। तो इसको जब हम 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारी अमाउंट आ जाएगी 39,37,500। तो इससे हम इसकी एंट्री करेंगे। अब जबकि हमको इसका रिडम्पशन करना है, तो यहाँ पर जनरल एंट्री जो होगी वहां पर हमको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एक तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसका निर्गमन भी प्रीमियम पे हुआ है, ये इशू भी प्रीमियम पे हुआ है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो इसका रिडम्पशन है वो प्रीमियम पर है, तो यहाँ पर हमको लॉस की भी एंट्री करनी है। 2.9% डिबेंचर अकाउंट, 2% सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बहुत सावधानी से हमको इसकी एंट्री करनी है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। अब जबकि हमको इसमें अमाउंट लिखनी है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो ड्यू हमारी थी जबकि हमने डिबेंचर इशू किया, रिसीव जो हमारी अमाउंट थी जो हमने जबकि हमने डिबेंचर इशू किया 39,37,500। लॉस ऑफ इशू ऑन डिबेंचर के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो है 15,000 में उसमें लॉस जो हमको हुआ है वो 15% प्रीमियम पे रिडम्पशन क्योंकि हो रहा है, तो ₹37,50,000 यहाँ पर हमको मिलता है। तो टोटल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है 15,000 × ₹37.50 यानी कि 5,62,500 ये आ जाएगा। अब जबकि 2.9% डिबेंचर अकाउंट यानी क्रेडिट साइड में जब हम लिखेंगे तो टोटल हम देखते हैं कि 15,000 हमारे पास डिबेंचर थे और एक डिबेंचर जो है वो 250 का है, यानी क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर 37,50,000 की एंट्री करेंगे। उसके बाद क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की हमको एंट्री करनी है, तो जो डिफरेंस की अमाउंट, जो बैलेंस की अमाउंट बचती है, यानी कि ये जो हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया है 250 पे 5%, ये हो जाएगा ₹12.50। तो इससे हम प्रीमियम की एंट्री यहाँ पर करेंगे जो हो जाएगी 15,000 × 12.5, तो 1,87,500 ये क्रेडिट में आएगा। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो हो जाएगा हमारा ₹37.50 से। तो जब हम इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिडम्पशन की अमाउंट है वो आ जाएगी 5,62,500। तो इस प्रकार से हम इसके अमाउंट लिख देंगे और फिर हम इसमें नरेशन लिखेंगे बिग डिबेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम। दूसरी एक दशा, जबकि 2,12,000% ऋण पत्र प्रत्येक ₹10 का 8% प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए और इसका शोधन सम मूल्य पर किया जाए, तो इस दशा में पहली जो एंट्री होगी वो होगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब क्योंकि हमको रिडम्पशन की एंट्री यहाँ पर करनी है, ये जो शेयर 15,000 ये जो डिबेंचर 15,000 के इशू किए गए थे,
तो यहाँ पर रिडेम्पशन की कंडीशन में हम एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और यहाँ पर जैसे कि हमने कैलकुलेशन की है 9% डिबेंचर की जो अमाउंट है 15,000 इंटू 250 के अकॉर्डिंग 37,50,000 की जो अमाउंट है वो 9% डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। रिडेम्पशन की हमने कैलकुलेशन यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की थी जिसमें 5,62,500 आया था, यानी कि कुल मिलाकर 15% अगर इसमें हम प्रीमियम कर देते हैं तो यहाँ पर यानी कि कुल मिलाकर 15% अगर हम इसमें प्रीमियम कर देते हैं तो जो अमाउंट आएगी 12.50 रुपीज़, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 15,000 से तो ये जो रिडेम्पशन की अमाउंट आती है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये 5,62,000 आती है। इसकी हम एंट्री कर देंगे यहाँ डेबिट साइड में और फिर जो टोटल अमाउंट है वो हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में 43,12,500। और ये जो अमाउंट है ये जब ड्यू हो रही है और जब ये पेड हो जाएगी तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम इसको डिबेंचर होल्डर जो है उसको क्योंकि पे कर रहे हैं तो नॉर्मल एक एंट्री होगी और टोटल जो अमाउंट हमको उसको जो पेबल हमारी बन रही है 43,12,500 इससे हम इसकी एंट्री करेंगे। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन जबकि 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए जाए और 15% प्रीमियम पर रिडम्पशन हो शोधन हो। सेकेंड कंडीशन में हमको 2,00,000 शेयर को जो कि 12% सेकेंड कंडीशन में हमको 2,00,000 डिबेंचर को जो कि 12% डिबेंचर है और 10 रुपीज एक डिबेंचर की वैल्यू है इसको हमको 8% प्रीमियम पर इशू करना है और एट पार यानी सम मूल्य पर इसका हमको शोधन करना है। अब ऐसी कंडीशन में जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो सिंपल जो जनरल एंट्री होती है वो एक एंट्री यहाँ पर हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और ये जो एंट्री होगी क्योंकि 8% इस पे प्रीमियम भी है तो 10 रुपए का जो 8% यानी कि 80 पैसे इसका जो प्रीमियम आएगा तो टोटल जो इसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे वो 2,00,000 को गुणा करके 10 रुपए 80 पैसे से यानी 21,60,000 से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब जब हम इसके रिसीव की जो अमाउंट है उसको जब हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो विद प्रीमियम हमको ट्रांसफर करना है क्योंकि प्रीमियम देखा जाए तो एक प्रकार का पूंजीगत लाभ है इसलिए हम उसको साथ में क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बहुत सावधानी से हमको इसकी अमाउंट लिखनी है क्योंकि ये जो डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगी वो अमाउंट ट्रांसफर होगी जो कि 2,00,000 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से मिलनी है यानी कि 20,00,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट ट्रांसफर होगी वो 2,00,000 पे 80 पैसे जो कि प्रीमियम के अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो 1,60,000 ये प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट आ जाएगी और टोटल 21,60,000 जो है वो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। अब ये तो थी इशू की कंडीशन। अब जबकि इन शेयर्स को रिडम्पशन करना है और वो भी एट पार यानी कि सम मूल्य पर इनका रिडम्पशन होगा तो बहुत नॉर्मल से जैसे कि हमने एंट्रीज देखी है होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन और 20,00,000 से सिंपल इसकी एंट्री करेंगे 2,00,000 × 10 20,00,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और जब ये अमाउंट पे करेंगे हम डिबेंचर होल्डर्स को क्योंकि रिडम्पशन की कंडीशन है और रिडम्पशन की कंडीशन में हमको ये अमाउंट पे करनी है तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 20,00,000 हम यहाँ पर पे करेंगे और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। निम्नलिखित दशाओं में कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। अ 100 रुपए वाले 1,008% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए गए हैं और उनका शोधन 5% प्रीमियम पर किया जाना है। ब 100 रुपए वाले 1,008% ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमित किए गए हैं और उनका शोधन 10% प्रीमियम पर किया जाना है। दोनों ये दशाओं में हमारी जो एंट्री होगी उसमें हम निर्गमन की और फिर शोधन की यानी कि इशू और फिर रिडम्पशन की एंट्री करेंगे
यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि जब ऋण पत्रों को निर्गमित किया गया, इशू किया गया, तो कौन सी दशा थी, सममूल्य, बट्टा या फिर प्रीमियम, और जब उनका शोधन यानी कि रिडम्पशन किया गया तो कौन सी दशा थी, सममूल्य, बट्टा या फिर प्रीमियम। तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें 100 रुपए का एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर जो है वो 1000 है, और इनको सम मूल्य पर यानी कि 100 रुपीज में ही इनको इशू किया गया है। तो नॉर्मल से यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट में सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इनका जब रिडम्पशन हुआ तो वो रिडम्पशन जो है वो 5% प्रीमियम पर किया गया। तो यहाँ पर जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि एक लॉस यहाँ पर बन रहा है कि इशू तो हम उसको सम मूल्य पर किए थे लेकिन अब रिडम्पशन के टाइम 5% यहाँ पर प्रीमियम पे करना है, तो लॉस की जो अमाउंट है वो यहाँ पर हमको लिखनी होगी एंट्री में। तो यहाँ पर हमारी एक्चुअल जनरल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी से हमको यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है। नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, बीइंग 1000 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 इच इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम। अब हम इसकी अमाउंट बहुत सावधानी से लिखेंगे। एक तो पहली बात कि इशू जो हुआ है ये सम मूल्य पे हुआ है, यानी कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 1000 × 100, 1 लाख। अब हमको ये देखना है कि लॉस एक्चुअली कितना हो रहा है। तो क्योंकि 1000 शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है, 1 लाख इसकी अमाउंट होती है, लेकिन शोधन के टाइम इसमें 5% प्रीमियम आ गया, यानी कि 1 लाख का अगर हम 5% प्रीमियम निकालते हैं तो 5 लाख का हमको यहाँ पे लॉस हुआ है। तो उसको हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में 5000 लिख देंगे। उसके बाद टू 8% डिबेंचर अकाउंट में हम 1 लाख ही लिखेंगे, क्योंकि उतने ही डिबेंचर अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है जितना ही कि डिबेंचर पे हमको इशू पे मिला है। और फिर क्योंकि प्रीमियम के अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिए 5000, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में 5000 हम लिखेंगे। सेकंड कंडीशन, जबकि 100 रुपए वाले 1008% ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमित किए गए और उनका शोधन 10% प्रीमियम पर होना है, तो इस कंडीशन में हम एंट्री वही करेंगे जो हम अभी कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर भी जो ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं तो यहाँ पर हमारी एंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, क्योंकि निर्गमित हम यहाँ पर 5% कटौती पर कर रहे हैं और शोधन हम 10% प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो काफी लॉस यहाँ पर दिख रहा है। एक तो उनको इशू किए हम डिस्काउंट पे और अब शोधन उनका हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है 10% प्रीमियम पर। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और 2 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओवरऑल लॉस कितना हुआ है पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 लाख शेयर है 100 रुपीज का, तो 1000 शेयर है और 100 रुपीज का एक शेयर है, यानी कि 1 लाख के शेयर है। यहाँ पर जब 5% डिस्काउंट दिया गया तो वहां पे 1 लाख का 5% यानी कि 5000 एक तो डिस्काउंट के अमाउंट चले गई, और प्लस अब ये जो 1 लाख के शेयर हैं उनको रिडम्पशन के टाइम 10% प्रीमियम, यानी कि 1 लाख का 10% 10000 प्रीमियम यहाँ पर हमको देना है। तो कुल मिलाकर 15000 जो है इस पे लॉस हो रहा है अगर हम डिस्काउंट को इसमें जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जब हम एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, तो वहां पर हम डिस्काउंट 5% लेस करके यानी कि 5000 लेस करके लिखेंगे, यानी कि 1 लाख माइनस 5000 तो 95000 से हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम 15000 लिखेंगे जो कि हमने कैलकुलेट किए, 5000 डिबेंचर पे डिस्काउंट की और 10000 जो है रिडम्पशन पे प्रीमियम की। और फिर 8% डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ओवरऑल जो इसकी अमाउंट थी 1000 शेयर थे, 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख आएगी और प्रीमियम जो हमने कैलकुलेट किया वो प्रीमियम अकाउंट के डेबिट में आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के क्रेडिट में जो आएगा वो अमाउंट हो जाएगी 10000, यानी कि 1 लाख रुपीज पे 10% यानी कि
1 लाख रुपीज पे जो 10% प्रीमियम है वो 10,000 यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट के क्रेडिट साइड में आए। निम्नलिखित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। पहला, एक 100 रुपए के ऋण पत्र को 95 रुपए में जारी किया गया। दूसरा, एक ऋण पत्र को 95 रुपए में निर्गमित किया गया जिसका शोधन 105 रुपए पर हुआ। तीसरा, एक ऋण पत्र 100 रुपए में निर्गमित हुआ तथा 105 रुपए में शोधन हुआ। इस प्रश्न में 3 तरह की दशाएं बनती हैं। पहली दशा, जबकि एक ऋण पत्र जो कि 100 रुपए का है इसको 95 रुपए में जारी किया गया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस के जो अमाउंट है 5 रुपए वो डिस्काउंट है। या हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और क्योंकि 100 रुपए का एक ऋण पत्र है 95 रुपए में ये जारी किया गया तो 95 रुपए 95 रुपीज जो है वो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा और डिफरेंस की जो अमाउंट है उसको हम डिस्काउंट मान लेंगे जो कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में आएगा 5 रुपीज और टोटल 100 रुपीज जो है वो डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन, जबकि 95 रुपीज में निर्गमित किया गया जो एक डिबेंचर है इसका रिडम्पशन 105 में हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर लॉस दिख रहा है, चाहे तो हम उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या लॉस में हम ऐड करके लिखते हैं डिस्काउंट के साथ, तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग इसको शो करते हैं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि उस डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है जिसका कि निर्गमन डिस्काउंट पे हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर पूरे विस्तार से जनरल एंट्री पूरी लिख दी है। अब अमाउंट हम जब इसमें लिखेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ 95 रुपीज ही हम लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि 95 रुपए में ही निर्गमन किया गया है। और डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया था 5 रुपीज, तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम 5 रुपीज लिखेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 5 रुपीज क्योंकि 100 रुपीज का शेयर था और 100 रुपीज का शेयर था और 105 पे उसका शोधन हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो इश्यू ऑन तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के डेबिट साइड में हम यहाँ पे 5 रुपीज लिखेंगे। और टोटल अगर हम देखें डिबेंचर अकाउंट में तो वो 100 रुपीज आता है क्योंकि जो शेयर था वो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि 100 रुपीज का एक शेयर था। और अगर हम बात करें प्रीमियम की तो प्रीमियम अकाउंट के क्रेडिट साइड में जैसे कि हमने कैलकुलेट किया 100 का जो शेयर है 105 पर रिडम्पशन हो रहा है, यानी कि डिफरेंस की जो अमाउंट है 5 रुपीज वो प्रीमियम होगी। थर्ड कंडीशन में ये बताती है कि सममूल्य पर निर्गमन हुआ है, 100 रुपीज का शेयर 100 में ही निर्गमित हुआ लेकिन रिडम्पशन जो हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ, यानी कि 5 रुपीज यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के डेबिट में 100 रुपीज लिखेंगे क्योंकि 100 में वो निर्गमित हुआ है, इशू हुआ है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर स्पष्ट दिख रहा है कि 100 का जो शेयर था 105 में रिडम्पशन हुआ है, रिडम्पशन हो रहा है, ज्यादा में ज्यादा हमको देना पड़ रहा है तो 5 रुपीज हमको यहाँ पे लॉस हुआ है। और क्रेडिट में हम लिखते हैं टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर अकाउंट में वही अमाउंट ट्रांसफर होगी जो कि बैंक में हमको रिसीव हुई है डिबेंचर पे 100 रुपीज, और प्रीमियम यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 100 का शेयर 105 में रिडम्पशन हुआ, तो प्रीमियम जो है वो 5 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। एक कंपनी ने 20 रुपए वाले 20,008% ऋण पत्र जनता को जारी किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में पंजे के आवश्यक लेखे कीजिए। इस प्रश्न में 20,000 ऋण पत्र जारी किए गए हैं, 8% ऋण पत्र है, इनके लिए हमको क्योंकि सभी राशि एक साथ प्राप्त हुई है तो हमने देखा कि किस प्रकार पंजी प्रविष्टियों के अंतर्गत जब संपूर्ण राशि ऋण पत्रों की एक साथ प्राप्त होती है तो हम इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। और इसकी जो अमाउंट होगी 20,000 × 20 तो 4 लाख रुपीज से इसकी एंट्री यहाँ पर होगी। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट बिंग फुल मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 2005% ऋण पत्र निर्गमित किए, 10 रुपए आवेदन पर, 40 रुपए आवंटन पर व शेष प्रथम व अंतिम मांग पर दिए थे, समस्त राशि प्राप्त हो गई,
कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ पर हमने देखा कि 2000 ऋण पत्र है 5% वाले, और एक ऋण पत्र जो है वो 100 रुपए का है। इस पर जो राशियां प्राप्त हुई है उसमें वो 10 रुपए आवेदन पर है, 40 रुपए आवंटन पर है, और बाकी यानी कि 50 रुपए जो बच गया, 100 में से 50 रुपए जो बच गया वो प्रथम और अंतिम मांग पर देय होगा। तो सभी राशि प्राप्त हो गई है। अब हमको यहाँ पर पंजी प्रविष्टियां करनी है। तो जिस प्रकार हमने वीडियो में देखा कि जनरल एंट्रीज की जाती है, अलग अलग जो मद होती है उनमें अलग अलग जो मांगे होती है उनमें अलग अलग प्रविष्टियां होती है,